आखिर क्यों पाकिस्तान में इस 1200 साल पुरानी मंदिर को लगा दी गई आग? आखिर कैसे एक ईसाई परिवार ने 20 साल से कर रखा था इस मंदिर में कब्जा? आखिर क्यों था इस मंदिर में हिंदुओं का जाना वर्जित? आखिर क्यों तोड़ दी गई इस मंदिर की सभी मूर्तियां? और अब कैसे होती है हिंदुओं के द्वारा इस मंदिर में पूजा? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब के बारे में। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कई मंदिर ऐसे थे जो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे, जिसमें से काफी मंदिरों को वहां के लोगों के द्वारा नष्ट कर दिया गया, तो कई मंदिरों में उन्होंने कब्जा भी कर दिया, और जो मंदिर बचे थे वो देखरेख न होने की वजह से खंडहर में तब्दील हो गए। मंदिर चाहे किसी भी हालत में हो, वो सनातन धर्मियों के लिए एक आस्था का केंद्र होता है। हाल ही में हमारी नजर में एक ऐसा मंदिर आया है जिसमें पिछले 2 दशकों से एक ईसाई परिवार ने कब्जा कर रखा था। दरअसल दोस्तों, ये मंदिर पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। इसका नाम है वाल्मीकि मंदिर, जिसमें कि ईसाई परिवार द्वारा कब्जा कर लिया गया था, और सरकारी दस्तावेजों में मंदिर ईसाई परिवार को सौंपा गया था ताकि वो इस मंदिर की अच्छे से देखरेख करें। लेकिन उस परिवार ने खुद को इसका मालिक बताकर सिविल कोर्ट में मुकदमा कर दिया, जिसके बाद इसे खाली करने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को बचाने की जिम्मेदारी ETBP यानी कि इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की होती है। लाहौर में स्थित मंदिर में पिछले 20 सालों से सिर्फ वाल्मीकि जाति के लोगों को ही पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई थी। कहा जाता है कि 1992 में हथियारों से लैस गुस्साई भीड़ ने मंदिर पर धावा बोल दिया था। कृष्ण और वाल्मीकि की मूर्तियों पर चढ़े सोने को निकाल कर दे गए थे। इस मंदिर को पूरी तरीके से लूटने के बाद इसमें आग लगा दी गई थी। उसके बाद ही ईसाई परिवार के द्वारा इस मंदिर में कब्जा कर लिया गया था। काफी दिनों से ये मामला कोर्ट में चल रहा था, और अब ये मंदिर ETBP की देखरेख में है। मंदिर को अच्छे से तैयार करने के बाद 100 से अधिक हिंदू और कुछ सिख और ईसाई नेताओं के द्वारा धार्मिक अनुष्ठान करवा कर मंदिर को दर्शन के लिए खोल दिया गया है। साथ में ये भी जान लें कि जिस ईसाई परिवार का मंदिर में कब्जा था, उसने भी हिंदू धर्म अपना लिया है। आज तक हमने सुना था लोग किसी के घर या जमीन में कब्जा कर लेते हैं, मगर अब लोग धार्मिक स्थलों में भी कब्जा करने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।